हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं भेल का शेक बनाऊंगी, नमकीन और मीठा भी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये भेल लिए हैं। आप सुना होगा जो शिव जी के भेल पत्थर चढ़ते हैं उसी पे ये भेल लगते हैं, फल लगता है, इसी से शेक बनता है। अभी मैं नमकीन शेक बनाने जा रही हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा ये बेलने के साथ ऐसे चारों तरफ से तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से होता है। ये बहुत इस तस्वीर इसकी जो होती है बहुत ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बेल का गुद्दा निकला है। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मैच करेंगे। इसका जो बीच में से झीले वगैरह होती हैं वो सब निकाल देनी है, फिर छानेंगे इसको हम अच्छे से। पानी डाल दिया, अभी मैं इसको हाथ से अच्छे से, तो फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के लिए ये मैंने छन्नी ली है। मेरे हाथ साफ है तो मैं हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ। आप किसी स्पून से भी कर सकते हो कि अच्छे से इसका जो शेक है निकल जाए छन्नी में से और गुद्दा अलग से हो जाए। अभी मुझे लग रहा है कि इसके साथ अभी है, तो थोड़ा सा हम पानी डाल के फिर से इसको ऐसे कर लेंगे कि अच्छे से निकल जाए इसका जो है शेक। फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका रस जो है अच्छे से निकाल लेते हैं। फिर ये देखिए इस तरह से निकाल लिया हमने। अब ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, झीले वगैरह हैं, बीज वगैरह, वो निकल गए और हमारा ये रस बन गया है। अभी हम इसका नमकीन शेक भी बनाएंगे और एक मीठा भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक गिलास नमकीन शेक बनाऊंगी बेल का। तो ये मैंने काला नमक डाला है और ये ब्लैक पेपर डालूंगी थोड़ी सी, और मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी, थोड़ी सी झाग बने तो शेक बहुत अच्छा सा देखने को भी अच्छा लगता है और पीने में भी अच्छा लगता है। तो इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नमकीन भेल शेक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही यम्मी बनता है। आप इस तरह से बनाएं, ये आजकल गर्मियों में बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इसकी तस्वीर भी ठंडी होती है तो बहुत पाए जाते हैं आजकल ये गर्मियों में। अभी मैं बनाऊंगी मीठा शेक। भेल का रस डाला है, अभी मैं मीठा होता है पर इतना मीठा नहीं, अगर दूध डालना है तो थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी। तो ये दूध डाल के बनाया जाता है मीठे वाला। अभी मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी। तो फ्रेंड्स, जो मीठे वाला शेक बनाया है उस पर आप ऊपर से आइसक्रीम भी डाल सकते हो, अगर बच्चों को देना है तो। वो मनपसंद होती है बच्चों की आइसक्रीम, तो खुश होकर पीते हैं, या फिर ऊपर से कुछ इस तरह से भी रूह अफ़ज़ा वगैरह थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो। देखिए कितना देखने में भी सुंदर लग रहा और पीने में भी बहुत यम्मी होता है। तो आप इस तरह से बनाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।